हाय गाइस, मेरा नाम सुशांत और काफ़ी सालों की मेहनत का जो फल होता है हमारा मार्कशीट, हमारा फाइनल स्कोर कार्ड, वो कल आ गया है और वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम अपना सीजीएल 2020 का मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट आपके साथ शेयर करेंगे। सब कुछ देखेंगे कि क्या मेरा प्री का स्कोर क्या था, मेंस का स्कोर क्या था, मेरा टाइपिंग का स्कोर क्या आया और सीपीटी का स्कोर क्या आया, और क्या मेरा पोस्ट प्रेफरेंस था, क्या फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे मिला या नहीं मिला। और जहाँ कि एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद, एवरेज भी नहीं कहेंगे, एवरेज से बहुत नीचे होने के बावजूद मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है, आप लोगों को पता है। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है और ये उस सफ़र का एक शानदार अंत है। तो चलिए देखते हैं मेरा मार्कशीट। तो ये है मेरा सीजीएल 2020 का फाइनल स्कोर कार्ड, देख सकते हैं। ये मेरा नाम, अपना रोल नंबर और बाकी सारा डिटेल्स हम हाइड कर दिए हैं। कैटेगरी हम EWS से डाले थे, इसमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं था। और आगे चलते हैं। एलोकेशन पोस्ट प्रेफरेंस स्क्रीनशॉट में पूरी तरह आता नहीं है, तो ये हम थोड़ी देर में मेन वेबसाइट पर ही दिखा देंगे। आगे चलते हैं, सीधा चलते हैं पेपर वन की तरफ। पेपर वन में मेरे 169.78 मार्क्स थे, जो कि मेरा रॉ मार्क्स 149.5 मार्क्स था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट शिप था, इसलिए वो बढ़ करके 169.7 हो गया था। तो 20 नंबर का इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में बढ़ गया था हमारा एग्ज़ाम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी बताते हैं कि मैथ में मेरे आए थे 47.5, जीके में मेरे आए थे 16.5, काफ़ी कम थे लेकिन जीके मेरा वीक है तो चलेगा। इंग्लिश में मेरे आए थे 40 मार्क्स, तो इंग्लिश भी कम है लेकिन मेरा इंग्लिश जिस तरह वीक है उसके हिसाब से काफ़ी सुंदर मार्क्स है। इसके बाद बचा रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे कुछ गलती हो गई थी जिसके चक्कर में 45.5 मार्क्स आए थे। तो ये था मेरा ओवरऑल स्कोर टीयर वन का। अब चलते हैं टीयर टू की तरफ। टीयर टू में मैथ में आए थे 177.5। हम 90 अटेम्प्ट लिए थे जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ था और 89 क्वेश्चन सही हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अखड़ा हमको, क्योंकि ये एक सिली मिस्टेक था, कोई बड़ा मिस्टेक था नहीं। 90 हो जाते शायद रैंक मेरा बहुत सुधर जाता। इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर मेरा 165 था लेकिन आया 157 ही, तो ठीक है चलेगा। जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। जनरल स्टडीज़ में कुछ भी नहीं पढ़े थे हम, सीधा चले गए थे एग्ज़ाम देने। और 100 अटैम्प्ट थे, तो 100 अटैम्प्ट हम तुक्का मार कर आ गए थे, क्योंकि हमको पेपर वन में उतना से कोई मतलब नहीं था। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए चाहिए होता है ये पेपर, वो पोस्ट हमको चाहिए था नहीं, तो बस यूं ही एग्ज़ाम दे दिए इसका। अब आते हैं पेपर थ्री, जो कि पूरा लक बेस्ड चलता है। मेरे मार्क्स 50 आए थे 2020 में, आप लोगों को पता होगा बहुत कम मार्क्स मिले हैं, तो एवरेज मार्क्स 50 था और हमको भी 50 ही मिला है, तो 50 मार्क्स ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ भी लिख लो, ये आपका केस लग बेस चलता है। चलते हैं टाइपिंग की तरफ। तो टाइपिंग जिसमें हमको थोड़ा डर था, टाइपिंग और CPT में, उसमें मेरे काफ़ी सुंदर 0.53% एरर था, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 5% अलाउड होता है और अदर के लिए शायद 7% अलाउड होता है, तो मेरे काफ़ी कम थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अदर CPT मार्क्स की तरफ, CPT का मार्क्स बहुत भयंकर, पता नहीं 198 कैसे आ गया आउट ऑफ 200 में 198, यानी कि मात्र 2 नंबर कटा है। और CPT हमको ज़रूरी था इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो ये ज़रूरी में था और काफ़ी सुंदर मार्क्स भी आ गया। तो जब CPT का एग्ज़ाम होगा तभी CPT के लिए भी हम कुछ वीडियोस ज़रूर बना देंगे। तो ये थे मेरे मार्कशीट। अब चलते हैं जो एलोकेशन की तरफ। लोकेशन यहाँ से इसे दिख नहीं रहा है, तो चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आ गया मेरा जून लोकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला मेरा प्रेफरेंस है B24 और
हमको मिला भी है फाइनली B24 ये, और मेरा कैटेगरी सिलेक्शन का है जनरल यानी कि 9। तो एक तरह से कहें तो जो मेरा ड्रीम पोस्ट था, जो मेरा पसंदीदा पोस्ट था, वो हमको मिल चुका है। बस अब ज़रूरत है कि हमारा पसंदीदा जोन भी हमको मिल जाए, जो कि लाइकली है कि मिल ही जाएगा। तो ये मेरा ड्रीम पोस्ट था, हमको ड्रीम पोस्ट मिल गया काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। तो आप भी मेहनत करते रहिए, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, आप अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेहनत कीजिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सीरियसली अपना तैयारी को टाइम अच्छे से देते हैं। तो ये इन वीडियोस से आप मोटिवेशन लीजिए, इससे कभी डिमोटिवेट मत होइएगा, हम कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।